तो गाइस जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इस वेबसाइट का DR आप देख सकते हो 52। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा क्योंकि गाइस आज के वीडियो में जो है मैं आप सब के लिए जो है इंस्टेंट अप्रूवल डू फॉलो बैकलिंक्स का एक साइट लेके आया हूँ जो कि आपको जो है 100% डू फॉलो बैकलिंक्स आपको मिलेगा, वो भी हाई क्वालिटी। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करना। उससे पहले गाइस एक चीज़ मैं हमेशा बोलना चाहूँगा, ये चैनल जो है आपका और मेरा चैनल है जिसका नाम है SEO स्मार्ट की। इस चैनल के ऊपर आपको डेली बेस में बैकलिंक्स के रिलेटेड, ट्रैफिक के रिलेटेड, रैंक के रिलेटेड प्रॉपर SEO की वीडियोज आपको मिलती रहेगी। तो गाइस जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और गाइस नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा गाइस जो भी आपके जो डाउट्स होंगे, जो भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो या तो गाइस आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे DM कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे गाइस इस वेबसाइट पे जो है अभी हम हाई क्वालिटी डू फॉलो बैकलिंक्स अभी हम क्रिएट करेंगे। तो गाइस बैकलिंक्स क्रिएट करने से पहले इस वेबसाइट का DAPA और स्पैम स्कोर और डोमेन रेटिंग मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे गाइस DA 36 है और PA आप देख पा रहे होंगे गाइस 46 है, लेकिन स्पैम स्कोर खाली 1% है। और ये जो वेबसाइट जो है ऑलमोस्ट 17 साल पुरानी वेबसाइट है, तो गाइस गूगल में ट्रस्टेबल वेबसाइट है। और इस वेबसाइट में जो है ऑलमोस्ट 52 का DR है, मींस डोमेन रेटिंग 52 है। और इस वेबसाइट में अगर ट्रैफिक की बात करूं आप देख सकते हो गाइस ऑलमोस्ट 64.9K का ट्रैफिक आया है। और यहां पे जो है ट्रैफिक में बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है, आप देख पा रहे होंगे गाइस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, अगस्त में 47.4K का ट्रैफिक था और उसके बाद आप देख सकते हो अक्टूबर में, फिर नवंबर में आप देख सकते हो ट्रैफिक किस तरह से इंक्रीज हो गया है। ठीक है गाइस, अब जो है इस वेबसाइट पर बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करोगे वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले गाइस इसमें जो है लैंग्वेज में चेंज कर देता हूँ, इंग्लिश कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे ज्वाइन अस का बटन है, तो गाइस आपको बस ज्वाइन अस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे जो कुछ डिटेल्स होंगे, फॉर एग्जांपल आपका जो यूजर नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया और पासवर्ड हो गया और डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सारे डिटेल्स आपको अपडेट करना है। तो गाइस मैंने जो है ये सारे डिटेल्स मैंने यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। तो गाइस अपडेट करने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे आपको चेक करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैंने सारे डिटेल्स अपडेट कर दिया, उसके बाद इसको मैंने नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। तो गाइस जैसे आप अपना अकाउंट को साइन अप करोगे, साइन अप करने के बाद आपके पास एक मेल आएगा, फिर मेल वेरीफाई होगा, उसके बाद ही जो है आप अकाउंट लॉग इन कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो गाइस यहाँ पे मेल मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास मेल आया या नहीं आया। तो गाइस आप जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे गाइस मेरे पास मेल आ चुका है, इस मेल को क्या है आप मुझे वेरीफाई करना होगा। तो गाइस मैं यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई करने के बाद गाइस यहाँ पे जो है दोबारा से आपको लॉग इन करना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिव हो चुका है। मैं दोबारा यहाँ पे लॉग इन पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे जो मेरा जो अकाउंट है उसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। आपको भी जो है अभी तक का जो स्टेप्स है आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, बहुत ज़्यादा इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करा है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे गाइस आपके पास जो है पिंक कलर का एक बटन दिख रहा होगा सबसे ऊपर, जो कमेंट का ऑप्शन कमेंट का बटन है, उस बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे आपका जो है कमेंट का एक पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, बस थोड़ा सा कंटेंट लिखना है, कंटेंट के साथ आपका जो भी आपको जो कीवर्ड होगा कीवर्ड को आपको हाइपरलिंक करना है। तो गाइज़ यहाँ पे आप जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, जो भी आपको जो कीवर्ड होगा कीवर्ड को आपको सेलेक्ट करना है और ऊपर आप देख पा रहे होंगे लिंक एक ऑप्शन दे आ रहा होगा गाइज, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे आप जो है क्लिक करने के बाद URL का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आपको बस URL पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हो गाइज मेरा जो लिंक है वो लिंक जो है मैंने हाइपर लिंक कर दिया है यहाँ पे। तो गाइस लिंक लगाने के बाद जो है यहाँ पे मैंने अपडेट को एक ऑप्शन है मैंने अपडेट कर दिया और यहाँ पे देख सकते हो लिंक मेरा अप्रूव हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा गाइस इसी लिंक को जो है कॉपी करके जो है मैं जो है न्यू टैब में ओपन करके दिखाऊंगा कि मेरा जो लिंक है वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। तो गाइस यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैंने न्यू टैब ओपन कर लिया और यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गाइस आप सबके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ लिंक भी अप्रूव हो चुका है। इसको मैं इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ कि नो फॉलो या डू फॉलो। तो गाइस जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये 100% डू फॉलो है, कहीं पर भी नो फॉलो नहीं लिखा हो। और उसको न्यू टैब में ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है वो ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे गाइस वेबसाइट भी ओपन हो रहा है। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो गाइस वीडियो पे एक छोटा सा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और गाइस नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना और कमेंट करके जरूर बताओ कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कौन से टॉपिक के रिलेटेड मैं वीडियो क्रिएट करूँ। थैंक यू सो मच गाइस।